हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं न्यू पैन कार्ड कैसे बनाएंगे 2020 में। उसके लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जी फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ध्यान से बोल रहा हूँ, आप आराम से सुन लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, OTP नंबर आता है, तभी जो है आप मेरे इस वीडियो को देख के आप इस टाइप को फॉलो कीजिए और अप्लाई कीजिए, तो आपके पास में 3 दिन के अंदर में आपके ईमेल आईडी पे आपका पैन कार्ड मिल जाएगा और 20 से 30 दिन के अंदर में आपके घर पे आ जाएगा बाय पोस्ट थ्रू के दौरान। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आप किसी भी आधार सेवा केंद्र में जाइए और अपना मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर कीजिए, उसके बाद में इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। तो चलिए मैं शुरू से दिखाऊंगा कौन सा ब्राउज़र में जाना है और इस ब्राउज़र में गूगल पे क्या आपको सर्च करना है, क्या टाइप करना है, कौन से साइट पे जाना है, क्योंकि हर कोई बंदा डायरेक्टली जा नहीं पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र पे आ जाना है, जैसे क्रोम ब्राउज़र में आइए, सेफ एंड सिक्योर है, और गूगल को ओपन कीजिए। और गूगल को ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च बार में आपको ये लिख के टाइप करना है, UTIITISL, ये लिख के आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो इस तरह का एक पेज आएगा। अभी यहाँ पर देखिए 3 नंबर में जो ऑप्शन है पैन कार्ड, सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला लिंक पे नहीं क्लिक करना है, डायरेक्टली पैन कार्ड के लिंक पे आपको क्लिक करना है जहाँ पर पैन कार्ड लिखा है। तो देखिए इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन है पैन कार्ड बनाने के लिए, चाहे तो आप इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगा, तो आप आराम से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में अप्लाई करिए, अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है पैन कार्ड से रिलेटेड। वेलकम टू UTIITS पेन ऑनलाइन पोर्टल। तो इस पेन पोर्टल में देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल जाता है पैन कार्ड एंड इंडियन सिटीजन NRI, क्लिक टू अप्लाई। तो इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हैं, तो उसमें क्लिक करना है, आपको लिखा जाएगा इस पेज पर। अभी यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन नीचे में मिलता है, और ये है न्यू पैन कार्ड बनाने का ऑप्शन, जो पहला वाला है अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फॉर्म 49A, इसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको लिखा जाएगा इस पेज पे, और ये है 49A फॉर्म। पहला 2 ऑप्शन मिल जाता है, पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो बहुत झमेला है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है डिजिटली मोड, तो यहाँ पर एप्लीकेशन डोज नॉट ए सबमिटेड फिजिकली कॉपी, आपको कुछ भी देना नहीं है। यहाँ पर देखिए आधार वैसेड ई साइनिंग DAC मोड, आपको करना क्या है इस सेकंड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिजिटली मोड पे। फर्स्ट वाले पे नहीं जाना है, उसमें बहुत झमेला है, नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है थर्ड में आधार वेबसाइट EKYC ऑप्शन, तो यहाँ पर आधार कार्ड में जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से अटैच कर लेगा, जो भी सिग्नेचर आपने किया था तो उसको भी क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए ई साइनिंग मोड एप्लीकेशन विद आधार वेबसाइट सिग्नेचर, इसको भी क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसको थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और इसको फोर्थ वाला ऑप्शन को भी क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिए इस तीनों को सिर्फ क्लिक करना है और अदरवाइज आपको वैसे ही रहने देना है। रहने देने के बाद में यहाँ पर नीचे में आइए और यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल है, ये ऑटोमेटिकली ऐसा ही रहेगा, आप चाहे कितना भी क्लिक करें ये चेंजेस होने वाला नहीं है। अभी थोड़ा सा नीचे में आइए, यहाँ पर देखिए पैन कार्ड मोड, आपको किस टाइप का पैन कार्ड चाहिए, 2 तरीके का आपको मिलेगा। एक है बोथ फिजिकली पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, ठीक है, यहाँ पर 2 तरीके का मिलेगा, आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा और बाय पोस्ट के थ्रू में भी आपका घर में कार्ड आ जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। और यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन है देखिए ई पेन ओनली, नो फिजिकल पैन कार्ड विल बी डिस्पेंचड, यहाँ पर सिर्फ आपको ईमेल आईडी पे ही आपका पैन कार्ड मिलेगा, आपका घर में बाय पोस्ट के थ्रू में पैन कार्ड नहीं मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा पहला वाला ऑप्शन को क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट का बटन है, सिंपली सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए मेन फॉर्म पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएंगे यहाँ पर देखिए एक रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर ये इस रेफरेंस नंबर को आपको करना क्या है, अच्छी तरह से ध्यान से आपको इसको कॉपी करके आप किसी सेफ जगह पे लिख के रख देना है, क्योंकि बाद में ट्रैक करने के लिए काम आएगा कि आपका पैन कार्ड कितना दूर तक बना है। और यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर्म 49A एप्लीकेशन पैन कार्ड इंडिया अपॉइंटमेंट परमानेंट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया है, जो कि है आपको इस टास्क को पूरा करना है, जैसे पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर सेकंड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट,
फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट परमिट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, तो इस तरह का यहाँ पर देखिए 4-5 ऑप्शन है आपको फिल करना है। ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि मैंने आधार बेस्ड आधार कार्ड में जो भी है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और हर पेज के पहला यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर लिखा है डिजिटल एप्लीकेशन आधार बेस्ड KYC, और यहाँ पर देखिए पैन कार्ड ई पेन दोनों ही चाहिए मेरे को, और यहाँ पर इंडिविजुअल, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी शो कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है पर्सनल डिटेल्स, जिसका नाम से आप बनाना चाहते हैं कार्ड उसका यहाँ पर डिटेल्स थोड़ा फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट नेम टाइटल, वो श्री है, कुमारी है, स्मित है, क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में उस बंदे का यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, और यहाँ पर उसका लास्ट नेम डालना है, अगर उसका मिडिल नेम है तो नीचे में उसका मिडिल नेम डाल दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा डालिएगा, क्योंकि यहीं पर अगर आप नाम को आगे पीछे कर देंगे तो पैन कार्ड में सेम वही आ जाएगा। तो आप ध्यान से डालिए और देख के डालिए, फर्स्ट नेम के जगह में फर्स्ट नेम डालिए। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द कार्ड, तो कार्ड में देखिए यही नाम आएगा, अभी यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप यहाँ से अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में देखिए और एक ऑप्शन मिलता है, वन बाय वन में दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए, हैव यू बीन नो बाय इन अनदर नेम, अगर आपका कोई दूसरा नेम है तो यहाँ से यस कर सकते हैं और उसका नाम डाल सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर नो कर दे। और यहाँ पर देखिए जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, जिसका भी आप बनाना चाहते हैं, वो मेल है कि फीमेल है, क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जिसका भी पैन कार्ड बना रहा है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक देखिए छोटा सा बॉक्स आ जाएगा कैलेंडर का, तो आपको यहाँ से डेट, महीना और साल यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिसमें देखिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर रेसिडेंस है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि आधार वेबसाइट मैंने लिया था तो आधार कार्ड में जो है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। और यहाँ पर भी देखिए लिखा है डिटेल्स विल बी कैप्चर वेबसाइट आधार, तो यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं होगा, आप कितना भी यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड से अटैच करके मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यानी कि आधार कार्ड में जो भी है सब कुछ ये अटैच कर लेगा, ये अभी बता रहा है कि कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में आके आधार एप्लीकेशन आधार डिटेल्स आपको यहाँ पर कुछ फिल करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, आधार नंबर डालना है, जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहा है उसका आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक है एनरोलमेंट आईडी, आपका आधार कार्ड बड़ा है तो ऊपर में आपको दिख जाएगा एनरोलमेंट आईडी, तो आपको क्या करना है यहाँ पर आधार नंबर डाल के थोड़ा सा साइड में अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा, अभी इस बॉक्स में क्या करना है आपका वही आधार नंबर फिर से यहाँ पर डालना है, डालने के बाद में वेरीफाई करना है, वो लोग वेरीफाई करता है कि आधार नंबर सही है कि गलत है, तो यहाँ पर ओके कर देना पड़ेगा। तो ओके कर देने के बाद में यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आ गया, अभी उस आधार कार्ड में क्या नाम है वो नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, यहाँ पर आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है, सिंपली इस नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर में देखिए पहला जो ये ऑप्शन था पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल हो गया, अभी देखिए सेकंड पे आ गया डॉक्यूमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर सब कुछ रेफरेंस नंबर शो कर रहा है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स देना है, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है डिटेल्स आधार वेबसाइट यहाँ पर कैप्चर कर लेगा, आपको कुछ भी यहाँ पर फिल करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए व्हिच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और DOB प्रूफ यहाँ पर सब लगता है, अगर आप पेपर में करने जाते तो यहाँ पर सब आपको लगता, लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड से कॉपी करके हो रहा है तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए DOB प्रूफ आपको सब प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पहले से लिखा है आधार कार्ड इशूड बाय UID इन कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेगा आधार कार्ड में जो भी है। तो यहाँ पर अगर आप कॉपी क्लिक करेंगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है हर ऑप्शन में। तो कितना अच्छा है, आपको कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सब वहाँ से खींच लेगा। पर इसको ऐसे ही रहने दे, और यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट का स्टेप में है, नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना है। तो ऊपर में देखिए जो सेकेंड वाला ऑप्शन पे था हम लोग डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे, यहाँ पर देखिए एक नंबर होगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर फिल हो गया, अभी देखिए थर्ड में आ गया। तो यहाँ पर देखिए सेम है सब कुछ, रेफरेंस नंबर यहां पर शो कर रहा है, और यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो सिंपली यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे, आप जो भी स्टेट में रहते हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या बाहर किसी देश कंट्री का हो, तो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर डाल देना है यहां पर, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर यहां पर डाल दीजिए। डालने के बाद में यहां पर दाएं तरफ में देखिए
एक ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है तो कंपलसरी है आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना ही डालना है। बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि आपके घर पे सिर्फ आपका मादर ही है, पेरेंट्स यानी हेड ऑफ़ द फैमिली और कोई नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर आप येस कर दे तो यहाँ पर देखिए आपका मादर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और पापा का ऑप्शन यहाँ पर डालना नहीं पड़ेगा और मादर्स का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। और अगर ऊपर में आप नो कर देंगे तो नो करने के बाद में यहाँ पर आप अपना फादर का नाम, मादर का नाम या जो भी अदरवाइज जो भी है हेड ऑफ़ द फैमिली उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए मादर्स नेम डालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर मिडिल नेम डाल दे। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो आगे का स्टेप पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। अभी देखिए यहाँ पर पाँच नंबर ऑप्शन पर आ गया जो है आधार डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर सब कुछ एक ही है, रेफरेंस नंबर सब कुछ, और यहाँ पर देखिए एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। तो एड्रेस डिटेल्स में यहाँ पर देखिए प्लॉट, ब्लॉक, नंबर, यहाँ पर कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। अगर आप आधार कार्ड से रिलेटेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। आप कोई भी ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, चाहे पिन कोड हो, कंट्री हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग होगा, यहाँ पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि आधार कार्ड में जो भी है ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेगा। और यहाँ पर नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है सोर्स ऑफ इनकम, आप कितना कमाते हैं और कहाँ से कमाते हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा नो इनकम है, सिंपली वहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ऊपर का ऑप्शन का जो मैटर था, यहाँ पर देखिए काउंटिंग ये तो पूरा चला गया, आधार डिटेल्स जो था ये भी अभी फिल कर दिया। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट में आ गया, सेम प्रोसेस यहाँ पर रेफरेंस नंबर सब कुछ दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आधार डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है, जैसे यहाँ पर सेम आपको पिछले की तरह यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में श्री स्मिथ कुमारी क्या है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सेम प्रोसेस जिसका भी आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं उसका नाम फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल दे। यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ ऑलरेडी डाल दिया है, यहाँ पर उस बंदे का फर्स्ट नेम डाल दिया, यहाँ पर लास्ट नेम डाल दिया। अभी नीचे में आते हैं, यहाँ पर डोर ब्लॉक नंबर कितना है यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जहाँ पर है उस जगह का नाम डाल दिया। यहाँ पर विलेज क्या है उसका नाम डाल दिया। तालुका ऑफिस कहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस, वो नाम डाल दिया। अभी यहाँ पर देखिए स्टेट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा जाएगा एक छोटा सा बॉक्स में, यहाँ पर आप कौन सा स्टेट में बिलोंग करते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले। और यहाँ पर क्लिक करके आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपका पिन कोड नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से डालिए, जो भी आप यहाँ पर फिल करेंगे पिन कोड नंबर और डिस्ट्रिक्ट ये सब आपको ध्यान से डाल देना है। और यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, आई हैव ऑलरेडी डिक्लेरेशन और हिमसेल्फ, आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको वो करना है हिमसेल्फ। और यहाँ पर देखिए वेरीफायर नेम, जिसका नाम मैं कार्ड बनाना चाहता हूँ उसका नाम देखिए यहाँ पर आ गया। अभी यही नाम सेम कार्ड के ऊपर में भी आएगा। और यहाँ पर वेरीफिकेशन प्लेस, मैं कहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ उस जगह का नाम यहाँ पर लिख देना है। पर मैंने इस जगह का नाम लिख दिया जहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर भी पूरा नाम आ गया। अभी क्या करना है, इसे नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सब तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, जितना भी स्टेप था। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन मोड, रेफरेंस नंबर, पेन कार्ड कौन सा बनाना चाहता हूँ सब यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पे आ गया, यहाँ पर देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड ए फैसिलिटी एप्लीकेशन विद बी पेन एप्लीकेशन प्रोसेस थॉट डिजिटल ई साइनिंग। यहाँ पर देखिए रेसिडेंट स्टेट डिटेल्स ऑफ कैप्चर बेस्ड आधार डिटेल्स, तो यहाँ पर देखिए फिर से लिखा है आधार डिटेल्स, आधार में जो भी डिटेल्स है सब यहाँ पर कैप्चर कर लेगा, आपको कुछ भी फिल करने का ज़रूरत नहीं है और वैसे भी यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए चूज फाइल लिखा है, यहाँ पर आधार कार्ड इशूड बाय UID कॉपी, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर DOB प्रूफ, तो यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल है, यहाँ पर बहुत कुछ फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ता, बहुत कुछ लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी झमेला नहीं है, आपको कुछ भी डालना नहीं है, सब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा आपका जो भी आधार कार्ड में है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ोटो फाइल, फ़ोटो फिल करने का, यहाँ पर देखिए सिग्नेचर
आपको पता ही होगा पैन कार्ड में सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिग्नेचर भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा, फोटो भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपके आधार कार्ड में जो भी है सब कुछ आपका कॉपी कर लेगा, आपको कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही रहेगा, आपको कुछ तो फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब देखने के बाद में यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली आपको सबमिट में क्लिक कर देना है, आपको कुछ भी करना नहीं है। तो देखिए एक इस तरह का एक पेज आएगा, फॉर्म 49A लिखा है, सेक्शन लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए पेन एप्लीकेशन 49 फॉर्म डिजिटल एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर कूपन नंबर, यहाँ पर जो कूपन नंबर आपको दिख रहा है ये कूपन नंबर आपको ध्यान से रखना है, और किसका नाम पर बनाया है वो नाम भी शो कर रहा है, मेल भी शो कर रहा है, और इसका पापा का नाम मैंने क्या डाला था वो पापा का नाम भी शो कर रहा है, आधार नंबर शो कर रहा है, और आधार कार्ड में क्या नाम है और यहाँ पर देखिए लिखा है आधार कार्ड का नाम भी यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर शो कर रहा है जो मोबाइल नंबर मैंने डाला था, और अदरवाइज यहाँ पर नीचे में आइए यहाँ पर देखिए फोटो ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, DOB एप्लीकेशन सब यहाँ पर देखिए आधार कार्ड इशूड बाई कॉपी इन कॉपी, आधार कार्ड में जो भी है ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है पूरा का पूरा कॉपी कर लेगा आपका आधार कार्ड में जो भी है, वो एप्लीकेशन कौन सा डेट और कौन सा टाइम में एप्लीकेशन कर रहा हूँ उसका भी यहाँ पर शो कर रहा है, मोड ऑफ पोस्ट यहाँ पर लिखा है बोथ फिजिकल पैन कार्ड चाहिए मेरे को ईमेल आईडी में भी और बाय पोस्ट के थ्रू में कार्ड में भी, तो यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये सब देखने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट करना है, तो यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट लिखा है, सिंपली आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, तो आपको लिखा आ जाएगा दूसरा पेज पे UTIT ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इसका वेबसाइट में आपको लेके आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डेट ऑफ टाइम लिखा है, सर्विस पैन कार्ड एप्लीकेशन लिखा है, और यहाँ पर देखिए पेमेंट करना पड़ेगा 106.90 रुपया, और यहाँ पर क्या करना है मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है पे करने का, सिलेक्ट करके कन्फर्म पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल दिया, डालने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए पेमेंट करने का दो ऑप्शन है, तो सिंपली फर्स्ट वाला जो है इसमें आप क्लिक करेंगे इस तरह का, क्लिक करके आपको कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना है, तो ये आपको लेकर चला जाएगा दूसरा पेज पे, यहाँ पर देखिए इस पेज पे लेकर आ जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और यहाँ पर वॉलेट या फिर नेट बैंकिंग, तीन ऑप्शन आपको मिल जाता है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं दिखाऊंगा डेबिट कार्ड से किस तरह से पे करना है, तो पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए एंटर न्यू कार्ड लिखा है, और यहाँ पर क्या करना है, कार्ड नंबर, CCV नंबर, एक्सपायर डेट सब कुछ यहाँ पर डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया, नाम भी डाल दिया, सब कुछ डाल के यहाँ पर मेक पेमेंट में क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए पेज लोडिंग हो रहा है, SBI की तरफ से एक पॉपअप यहाँ पर खुल गया। अभी यहाँ पर मेरा बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP नंबर गया, उस OTP नंबर को यहाँ पर डाल के मेरे को मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा इस तरह का पेज लोडिंग होगा, और यहाँ पर देखिए रिडायरेक्ट लेके आ जाएगा फॉर्म 49A पे। यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर, ये कहाँ से आपको मिलेगा ये तो पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये सब नंबर तो पता नहीं है, यहाँ पर देखिए छोटा सा बॉक्स में लिखा है गेट एंड डिटेल्स, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे छोटा सा एक देखिए पॉपअप आ जाएगा इस तरह का, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर सिर्फ ओके कर देना है, तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, मैंने फिर से कार्ड दिया आपको दिखाने के लिए, तो कार्ड ऐसे देख लीजिए फिर ओके कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा फिल हो गया, AO नंबर आ गया, AO टाइप आ गया, एरिया कोड आ गया, तो इस तरह से आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है सिर्फ, बस वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा उस बॉक्स पे। और यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर नीचे में वैसा के वैसा ही फिल है, तो आपको क्या करना है इस अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है नीचे में, और अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर देंगे आपको इस डिजिटल इंडिया सेवा पोर्टल में आपको लिखा जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, उस बंदे का यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है, और डालने के बाद में नीचे में गेट OTP पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आधार कार्ड को वेरीफाई करना है कि मोबाइल नंबर लिंक है, वेरीफाई करके फिर दूसरा पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया, डालने के बाद में यहाँ पर आधार नंबर डाल के मैंने गेट OTP पे क्लिक किया था, OTP भी मेरा मोबाइल नंबर पर आ गया, अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया, अभी सबमिट में मैं क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही सबमिट में क्लिक कर दिए यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, तो जैसे ही
क्लिक कर दिया वहाँ पर, यहाँ पर देखिए पेज लोडिंग हो के फिर होम पेज पे लेके आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था कॉपी करके यहाँ पे लिख के रखने के लिए, ट्रैक करने के लिए पैन कार्ड को, तो यहाँ पर देखिए ट्रैक पैन कार्ड लिखा है। सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा होम पेज पर आके। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा यहाँ पर दूसरा पेज पर आके। अभी यहाँ पर देखिए लिखा है एप्लीकेशन कूपन नंबर, तो यू देखिए फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी बंदे का बनाना चाहते हैं पेन कार्ड उसका आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पर आपको कुछ भी डालना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एप्लीकेशन कूपन नंबर डाल दिया, और यहाँ पर डेट डाल दिया, और ये जो कैप्चर है यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद में यहाँ पर सबमिट है, सबमिट में क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए उस पेन कार्ड का स्टेटस दिखा रहा है, योर पेन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर देखिए लिखा है, और यहाँ पर कूपन नंबर शो कर रहा है, और यहाँ पर फोर न्यू पेन कार्ड फॉर्म 49A, और यहाँ पर एप्लीकेशन नेम जिसका भी नाम से बनाना चाहता था उसका नाम देखिए यहाँ पर डॉट डॉट करके शो कर रहा है, और यहाँ पर स्टेटस देखिए योर पेन एप्लीकेशन विथ आधार वेबसाइट KYC अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हुआ है, यह अभी होल्ड पे ही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पाया इसका आगे का प्रोसेस, क्योंकि मेरे को याद नहीं था, थोड़ा टाइम होने के बाद में मैंने उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया था और मेरे को याद ही नहीं था रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो फिर से क्या करना है, फिर से आपको होम पेज पे जाना है, होम पेज पे जाके आपको न्यू पेन कार्ड जहाँ पर बनाता है वही ऑप्शन पर जाके आपको सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके वही बंदे का पेन का आधार कार्ड का नंबर डाल के, और GTP जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई करता है उस तरह का मोबाइल नंबर वेरीफाई करके एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को सिर्फ वहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आपका फुल प्रोसेस वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जितना कष्ट था वो तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा दिया, आगे में और कुछ नहीं है। तो आपका पैन कार्ड बाय पोस्ट के थ्रू आपका घर पे आ जाएगा। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।